प्लस माइनस, कौन से घटक प्लस होंगे कौन से माइनस होंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको से देखो आपको समझ में आ जाएगा। ये इसमें देख लीजिए, ये वाला एक्स एक्स मान लीजिए, ये वाला वाई, और यहाँ से ये तो अब ऐसे हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हो गया आपका पहला फर्स्ट, और बताया गया था कि यहीं से इधर आ गया। तो इसमें अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं है, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर है, तो इसके लिए क्या हुआ, अगर हम इसको यक्ष नहीं मान लें तो यक्ष धनात्मक हो गया, धनात्मक हो गया, क्लियर। ये पहला क्वाड्रेंट हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। दूसरे में जब आप आएंगे तब तब ये देखो, ये वाई तो ऐसे ही रह गया, टू ऐसे ही रह गया, इधर पॉजिटिव था, इधर यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव दूसरे वाले। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ ये तीसरा वाला, इस तरफ क्या है, ये तीसरा वाला, तो इसी में जेड पॉजिटिव नहीं है, अब एक्स भी नेगेटिव हो गया, ठीक। अब ये चौथा वाला और ये छह में क्या होगा, जेड नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, और ये है आठ नंबर, आठ को दिख गए कि नहीं दिख गए, एक दो तीन चार पाँच दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश हम ऐसे सारे तारों को बना दिया, यहाँ से ये हो गया आपका ये हो गया, ठीक है। तो जैसे ये कमरा है ना, कुछ इसी तरह से ये बन गया, जैसे ये कमरा बना हुआ है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस हो गया, और ये कमरा बन के तैयार हो गया इन तीनों एक्सिस के माध्यम से, ठीक वैसे ये भी बना हुआ। अब अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसका क्वाड्रेंट एक्स वन वाई वन जेड वन है, और यहाँ पर कोई क्वाड्रेंट बिंदु है जिसका क्वाड्रेंट एक्स टू वाई टू जेड टू। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो अब कैसे निकालना, ठीक है, यही समझना है। तो अब देखो, सबसे पहले अब उसको समझना है अलग अलग, ठीक है। तो पहले देखा जाए, अलग अलग हम करते हैं, तो हम इस पर चले जाते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर पॉइंट है, या यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर अगर पॉइंट है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, उसको लंब डाल दीजिए यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ जो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब हम एकदम सरफेस पर मान लें, इसको सरफेस पे आ गए, तो यहाँ पे निर्देशांक क्या होगा, जेड जीरो हो गया, जीरो हो गया, एक्स वन वाई टू बना ना, एक्स वन वाई टू, ध्यान से समझना। यहाँ पे पॉइंट एक्स टू वाई टू, यहाँ पे एक्स टू वाई टू जेड टू है, यहाँ से नीचे जाइए तो उस पॉइंट का निर्देशांक और अब बताओ इसके बीच की दूरी बताओ, हो गया कि नहीं हो गया,
आपको इस प्लेन पर एक रेखा है, इस प्लेन पर एक रेखा और एक रेखा ये यहाँ पे है, अब समझ में आया। तो अब आप इनके बीच की दूरी आपको निकाल, तो इसमें क्या होगा, ये वाला और आ गया कि नहीं आ गया, और ये क्या है तो कुल मिलाकर आपके पास एक ऐसा डायग्राम बन गया, ये देखो बना रहे हैं भी आप समझ जाएंगे, एक ऐसा डायग्राम बन गया जिसका निर्देशांक x1 y1 z1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 z2 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ ठीक है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इसको ध्यान से समझना है आपको। इस इन दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस चाहिए, देखो ये चाहिए, ये चाहिए और ये निकाल, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपको समझना होगा, यहां से यहां तक ये हाइट है z1 नहीं है, वाई जेड एक्स पर यहां से यहां तक ये हाइट है z1, यहां तभी ना z1 निर्देशांक है, और ये पूरी हाइट है z2, अभी ना यहां z2 निर्देशांक है, तो यह कितना हो गया z2 माइनस z1। और ये जो जमीन पे आप निकाल रहे थे यह पॉइंट है, देखना ध्यान से, यह पॉइंट है x1 y1, वही मैं समझा रहा था आपको, यह पॉइंट कितना है x1 y2, इसके बीच की दूरी मान लो d1 है, यह दूरी तब भी क्या होगी, अब इनके बीच की दूरी a और b है, यह d है, आया समझ, तो जरा बताओ ए बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे मान लो सी है, अब ए सी स्क्वायर आपका d1 स्क्वायर है ना, और ये बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर LM हमने बना दिया, और LM बराबर है D1, और D1 बराबर पहले से और Y1 माइनस Y2 का स्क्वायर कर चुके हैं ना। अब आइए यहाँ पे मान रख देते हैं AB बराबर, तो D1 स्क्वायर का मान रखेंगे, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो कड़ी यहाँ पे आ गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये z2 माइनस z1 लिखा जाए चूंकि होल स्क्वायर है ना, z2 माइनस z1 लिखा जाए या z1 माइनस z2 लिखा जाए बात क्या है, बराबर है, तो प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये आपका सिद्ध हो गया, यानी फार्मूला मिल गया आपको, यहाँ लिखते हैं या यहाँ लिख लेते हैं, d बराबर कड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया पूरी बात, यही है आपका, फिर जल्दी से उसको कर दीजिए, फिर आगे बाद 2D में विभाजन का सूत्र पढ़े, विभाजन सूत्र 2D में आप पढ़े हुए हैं कि एक रेखा AD है और उसके सिरों के निर्देशांक x1 y1 और यहाँ पर बिंदु P है इसका निर्देशांक x y है, ठीक है,
तो आपने पढ़ा कि जो एक्स होगा वो होगा अगर ये यम संबंध है यज्ञ के अनुपात में बात क्या होगा यम एक्स वन और प्लस यम एक्स टू अपान यम प्लस याद रखिएगा ये आप पढ़ चुके हैं पूरी में सीधा इधर वाले का गुणा उसमें होगा इधर वाले का गुणा और वाई का मान निकल के आता है वाई का ये हो जाता है प्लस एम वाई टू समझ तो ये आप पहले से जानते हैं। अब अगर 3D कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या है जेड वन भी आ जाएगा यहाँ जेड भी आ जाएगा यहाँ जेड टू आ जाएगा तो आप जेड बराबर बता Z1 plus Z2 upon 3.
स्त्री होता है, ठीक है ना। ये सूत्र का भी काम करेगा, इसको सिद्ध कर लिया जाए, प्रूफ ठीक है भाई, प्रूफ किया जाए। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज है एबीसी, इसके शीर्षों के निर्देशांक लिख जाइए। माना एक त्रिभुज एबीसी है जिसके शीर्षों के निर्देशांक एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू तथा एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, ये है त्रिभुज की माध्यिका, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे डी पे काट रही है, तो इसको आधे पे काट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर केंद्रक है जो माध्यिका को दो संबंधी एक के अनुपात में काट रही, मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बिंदु डी का निर्देशांक हम निकाल, डी का निर्देशांक देखते जाइए ध्यान से, बिंदु डी का निर्देशांक तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, ये आधे तक है ना, x2 + x3 / y2 + y3 / z2 + z3 / समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। चलिए अच्छी बात, तो बिंदु डी का निर्देशांक हो गया। उसके बाद अब जी का निर्देशांक निकाल दिया जाए, जी का निर्देशांक जो फार्मूला है उसके हिसाब से माध्यिका को वृत्त केंद्र दो संबंधी एक के अनुपात में बांट सकते हैं, आपको दिमाग में हमेशा रखना है। तो अब क्या होगा, देखो 1 × this एंड +2 × this होगा ना, तो इसका जो निर्देशांक है यहाँ पे, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 × x1 1 × x1 + 2 × ये वाला, तो 2 × x2 + x3 / 2 समझ पा रहे हैं सब लोग, समझ गए कि नहीं समझ गए, अगर नहीं समझे तो हम उसको यहाँ हम बना दें तभी समझ जाएंगे। देखो ऐसे है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, E का जो निर्देशांक है x1 y1 z1 है, और यहाँ पर बिंदु G है, ये 2 है और ये 1 है। और देखो अब D का जो निर्देशांक है वो है x1 + x2 + x3 / 2 y2 + y3 / 2 z2 + z3 / 2, यही है ना। अब आइए, तो अब देखो इस 2 का गुणा यहाँ होना है और इस 1 का गुणा यहाँ होना है, 1 × x1 और 2 × ये हो रहा था तो हमने लिख दिया, और उसके बाद अपान m + n कितना 3 जो हमने कर लिया। इसी तरह से 1 × y1 + 2 × y2 + y3 / 2 आया समझ में, आया। इसी तरह से बटे 2 / 1 जेड वाला 1 × z1 / 2 × z2 + z3 / 2 आया, और बटे 2 / 1। ये देखिए यहाँ से x1 हो गया और प्लस 2 से तो कट गया ना, तो x1 + x2 + x3 और बटे 3। यहाँ भी वो इस तरह से हो गया y1 + y2 + y3 / 3 z1 + z2 + z3 / 3 ये हो गया आपका जी का निर्देशांक। तो कर लीजिए कंप्लीट, कोई कंफ्यूजन हो तो बता।
अब क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है। कितना 3 कॉर्डी में 14 बराबर 3 कॉर्डी में 14 बताओ।
अब ऐसे ही आगे आप ट्राई करेंगे, जहां तक हो जाए कर लीजिए। दूसरे वाला जो चैप्टर है आपका उसका लिखने ये पढ़ा दिए, वहां तक कर लीजिए। मैं तेरे मन नहीं देगा।